मेला, केटू का मेला ऑल द वे फ्रॉम दुबई, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजिया सुल्तान। और ये हमने इसलिए यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं मेरी पूरी पूरे पूरा पूरा जो हमारा सेटअप है, इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशंस मतलब हमारा आज का जो प्रोग्राम है, हमने आगाज़ किया है दुबई से। आई नो पाकिस्तान से तो काफ़ी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन दुबई से हमने आगाज़ किए हैं हमारी सेलिब्रेशंस की, हमारी एनिवर्सरी की। मैं इस मेले की, या बोलें इस K2 के मेले की, और K2 की जो कारवां है उसकी एक बहुत ही नई होस्ट हूँ, या एक हिस्सा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली यू गाइज नो कि ये वाली जो जगह है, ये आप लोग पिछले 11 सालों से देख रहे हैं। ये हमारी 11वीं एनिवर्सरी है। 11 साल का अगर एक बच्चा भी होता है ना, तो वो भी इतना तक तो हो जाता है। तो माशाल्लाह K2 ने हर घर हर जगह पे इतनी अच्छी तरीके से हर किसी के ज़िंदगी का हिस्सा बनाए कि यू वोंट बिलीव इट। मैं खुद जब हैरान हो गई थी कि मैंने कहा कि यार स्पीकिंग पश्तो हम लोग हिंदू स्पीकर्स भी हैं, बहुत सारे अलग अलग स्पीकिंग इलाकाई जो लैंग्वेजेस होते हैं, और K2 हैज़ ऑलवेज इनक्रेज्ड। आई थिंक जैसे हम कहते हैं ना कि एक छोटी छोटी पीसेस लाइक बिल्डिंग मटेरियल से और हिस्सों से एक पूरी इमारत बनती है, वैसे ही पाकिस्तान का जब हम नाम लेते हैं तो इतनी खूबसूरत लैंग्वेजेस हैं कि हम लोग उनकी बारे में, एक एक के बारे में भी हम लोग एक प्रोग्राम बनाए ना, तो हमारे एक्चुअली अगले 2-3 साल गुजर जाएंगे। वही चीज़ की वही खूबसूरती K2 लेके आए। नाउ अगर हम लोग बात करें तो हिंको, पटवारी, सराइकी, गिलगिती, आप नाम बोले, मतलब आई वॉन्ट कॉल देम छोटे छोटे लैंग्वेजेस और इलाकाई, बट दे आर बहुत बड़ी बड़ी हिस्सा है इस पूरी पाकिस्तान का, और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं इन सब इलाकों में। उर्दू तो हर कोई चैनल लेके आ जाते हैं, उर्दू तो हम लोग जो वो कहते हैं ना कि उर्दू इज़ आर कौमी ज़ुबान, तो उर्दू की तो हमें बहुत सारे चैनल्स और ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन बाकी के जो लैंग्वेजेस हैं, बाकी के जो टैलेंट्स हैं, हमने यहाँ पे दुबई में भी अगर हम देखें तो हमारे जो शो है, हमने दुबई में भी बहुत लोगों को आगे किया है। हमने यहाँ से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपनी अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन हमारे ये जो प्रोग्राम है जो हमने सुबह नॉर्मली होता है मेरा, उसमें हमने कोशिश की है जो पाकिस्तान में हर इलाके से, स्पेशली जो हिंको स्पीकर्स हैं, पटवारी साइड, ऑल दी साइड, हम लोग लेके आते हैं आपके लिए ऐसे ऐसे गेस्ट जो यहाँ के दुबई में भी बहुत कीप अ वेरी गुड पोजीशन और एक रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा मेला लगा है, इसी मेले के थ्रू हम आपको लेके जाएंगे अलग अलग हमारी जो हिस्ट्री है। हमारे पास बहुत प्यारी से सेगमेंट्स भी हैं जिसमें K2 की कहानी है, जिसमें हमने पूरी दास्तान सुनाई है। इस दास्तान में हम लोग शुक्र अदा करेंगे हमारे जो उड़ान है, उड़ान सोर टू ग्रेटर हाइट्स, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। उड़ान की जो ये जो सोर टू ग्रेटर हाइट्स वाला साइड है ना, इससे तो मैं इतनी मुतासर हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में भी इस चीज़ को बहुत के हमने आगे जाके आगे बढ़ना है। सोर टू ग्रेटर हाइट्स हमने एक पहले वो भी पढ़ा था, वो क्या कहते हैं, एक अल्लामा इकबाल का भी शेर होता था, तो इट्स समथिंग दैट वी ऑल बिलीव इन। नाउ जब मैं इस बात के बारे में बात करती हूँ और K2 के बारे में बात करती हूँ, तो आई ऑलवेज स्पीक अबाउट द ग्रेटर, वो कहते हैं हमारे जो मशर है, हमारे जो आर लीडर्स हैं, इस K2 को हमारी तरफ लाने का जिन्होंने वो किया हुआ है, उनके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि विदाउट देम ये प्रोग्राम, ये जो हमारे दुबई वाला सेटअप है, पाकिस्तान वाला सेटअप है, और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता था। नाउ कामरान हामिद राजा, जवाद हामिद राजा एंड कैवान हामिद राजा, नाउ इन लोगों के जब भी मैं नाम लेती हूँ, इनके साथ सर, और वो एक अलग ही इज्जत मेरी नज़रों में आती है, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ देम कि इन्होंने यहाँ पे भी ये नहीं देखा कि इनके पास ये टैलेंट तो वो देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये तो सोशल मीडिया पे ही आते थे। या मैं अपनी मिसाल दूँगी कि मैं एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी थी,
मैं एक ऐसी बंदी थी जब मैं शुरू शुरू में आई थी तो मुझे ये भी तक बोला गया था कि स्क्रीन हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन हमने वो चीज़ नहीं दी, हमने आगे का सोच के कि नहीं, दिस गर्ल कैन गो फॉरवर्ड. ये कौन कह सकता है कि ये बंदा जा सकता है या नहीं जा सकता है. इस चीज़ के लिए आई वुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू हमारे जो मैनेजमेंट है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली स्पेशल मेंशन टू हमारे जमरूद सर, क्योंकि इन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और मेरे अंदर एक बिलीफ उन्होंने रखी कि ये बंदी आगे जाके भी कुछ कर सकती है. आगे जाके मैं करूँ ना करूँ वो मेरी अपनी टैलेंट है, लेकिन एक उम्मीद, मतलब एक मुझे एक पुश दी है. और उस पुश के साथ ये नहीं है कि आपको बस एक जगह पे खड़ा करके बोल दिया कि नाउ नाउ इट्स अप टू यू, दे मेंटर यू. ना मैं जब इस प्लेटफॉर्म की बात करती हूँ, ये तो चलो एक छोटा सा सेटअप है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक हर तरफ से लोगों को आगे किया है, वेदर इट इज़ इन दिस चैनल, हमारे बाकी की भी ब्रदर सिस्टर चैनल्स जो होते हैं कहते हैं वो सब भी है, इसमें इन्होंने बहुत सारे टैलेंट्स को आगे किया है. और हमारी सबसे सबसे उम्दा चीज़ ये है कि कीपिंग एवरीथिंग असाइड, हमने वो चीज़ें आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह, और आगे भी लेके आएंगे जो आपकी आपके लिए है. आप में से एक, जैसे हमने तलबात के जो ड्राइवर्स लेके आते, देर आर पार्ट ऑफ योर फैमिली, देर आर वो लोग हैं जो आपके घर भी आते हैं हमारे, उन आपके लिए हम लोग वो चीज़ें उनके सामने लेके आएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था. मैं द फर्स्ट टाइम मैंने उनकी उनके साथ प्रोग्राम किया था, यकीन माने बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी अपनी ज़िंदगी में बदल गई पर्सनली, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की, उनकी जो जितने भी हम लोगों ने वो क्या कहते हैं उनकी मुश्किलात सुने, उनकी यू नो ट्रबल बोल नहीं सकूंगी, लेकिन ट्रबल तो हर किसी की ज़िंदगी में होता है. ट्रबल तो आपकी ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में अलग अलग, वी ऑल आर बर्डन, वो कहते हैं ना हर किसी का जो टोकरा होता है ना उसके अंदर एक जिम्मेदारियाँ होती है, चीज़ें होती है. लेकिन हम इस मोड़ पे, इस जगह पे खड़े होके उनको किस तरीके से समझे, यही प्लेटफॉर्म जो दुबई से मेरा है, इसमें आपको वो कहते हैं ना एंटरटेनमेंट तो मिलेगा. वी विल हैव लॉट ऑफ डिफरेंट इलाके हम आपको दिखाएंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे, लेकिन मेरा जो मेन मकसद है इस प्रोग्राम में और इन सबके साथ मिलने का, हंसी मजाक अपनी जगह, चिटपटी बातें, आप लोग के कॉल्स, वो सारी अपनी जगह, लेकिन आप में से जो जो टैलेंटेड हो, जिन जिन लोगों के पास एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी और का फ़ायदा हो, मे बी आपके लिए वो एक छोटी सी बात होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एक्सेप्टेंस ऑफ सिंगल मदर्स की बात करती हूँ, तो उसके ऊपर मैं यही बोलूँगी कि एक्सेप्टेंस इस सोसाइटी में हमने करना है. किस तरीके से करना है वो तो इंडिविजुअल होता है, लेकिन वो इंडिविजुअल के अंदर हमने एहसास भी थोड़ा बहुत अपनी इस प्लेटफॉर्म से पैदा करना है. और ये सारी जो है, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ आई फील मेरे शो में इसलिए मिलेंगी क्योंकि मैं पर्सनली इन चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ. चाहे वो मेरा सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरी एक छोटी सी लाइव सेशन ही क्यों ना हो, मैं हमेशा से ये भी बात करती हूँ कि यू हैव टू बी पॉजिटिव. जैसे मैंने आपसे बात की कि हर किसी की ज़िंदगी में एक मुश्किल होती है, जब आपके सामने ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी मुश्किलात हम आपके सामने रखेंगे भी और रखते रहेंगे भी, उनकी थ्रू आपको एक नई उम्मीद भी देंगे कि चलो उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया था. और इसी तरीके से हम बहुत सारी, जो हमारा K2 मेला चलने वाला है, इसमें और भी जो हमारे पुराने पुराने गेस्ट हैं, पुराने तो नहीं कहूँगी, वो एक्चुअली अच्छा खासे हैं, लेकिन देर आर गेस्ट्स आज के शो में भी और आने वाली शोज में भी. तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. ये छोटा सा ब्रेक तो नहीं था, अच्छा खासा ब्रेक था, क्योंकि मैं उठने से बैठ गई हूँ और बैठने के बाद मेरे मेहमान भी आ गए. लेकिन आपको इनसे उनके आने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी, एक सेकेंड, मैं आपको मेहमानों की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लिए आज की जो पहली मेहमान है, शी इज़ वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि इनका मेरे फर्स्ट शो में, जो मेरा वो वाला शो था ना जिसमें मैं ऐसे ऐसी हो रही थी, मेरी आवाज़ से भी लोगों को पता चल रहा था कि हाउ नर्वस शी इज़. मैं पूरी रात नहीं सोई थी, लेकिन इन्होंने अपनी वॉर्म पर्सनैलिटी से
शी इज़ नॉट अ न्यू फेस टू K2, K2 की की दुनिया से शी इज़ समबडी जो हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर चुकी हैं, लेकिन फॉर मी शी प्लेस इनका प्लेस बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी पहली जो शो था उसमें सबसे पहले इनके साथ मैं बैठी हुई थी एंड यकीन माने वो जो मैं मेरी जो हालत ही हो रही थी ना वो इनकी वजह से थोड़ी बहुत काम डाउन हो गए थे क्योंकि इनकी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीन पर्सनैलिटी है, काम पर्सनैलिटी है, येट एक हसमुख सा चेहरा. आई इंट्रोड्यूस टू यू फरजाना मंसूर, होस्ट इन हिंको लैंग्वेज में थी, ब्रंच टाइम असादिनाल. ब्रंच टाइम दुबई या सादेनाल? दुबई. जी जी, हमारी दुबई. देखिए यही माइंड थी जिसने मुझे पहले दिन से ही काम डाउन कर दिया था. माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे पता है आपकी यहाँ पे बहुत ही लंबी स्टोरी थी. कितने कितने वक्त के लिए आप यहाँ पे थे? 2.5 years. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो K2 देन एंड फॉरगेट K2 देन, रजिया देन रजिया नाउ के साथ ही कंपेयर कर लेते हैं. मैं तो मतलब अब कोई भी मेरे ख्याल से कुछ सोच नहीं सकता कि आप जो कुछ कह रही हैं कि ऐसे था, कोई मान लेगा कि ऐसे था. अच्छा, मैं उस दिन पहले दिन भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपने माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंटली किया था एंड यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. नहीं, मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मुझे अगर एक कैमरा वाला जो पर्सन होता है वो भी मुझे ये बता देना कि मैम आपने ये करना है, मैं वो तक लेती हूँ क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस ही हमसे ज़्यादा होती है. तो यू शुड नेवर टेक इट कि यू नो ये लोग क्या बोल रहे हैं मुझे, यू नो, बट दैट्स हाउ यू लर्न. बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि बिहाइंड द कैमरा जितने लोग, बिहाइंड द सीन हमारे जितने लोग हैं ना, उन्हीं के ही कहने पे ही प्रोग्राम ज्यादा अच्छा हो सकता है. क्योंकि हम तो मतलब जो कुछ भी है हम तो उसी वक्त सब कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन वो क्या जा रहा है टीवी के ऊपर और कैसे जाना चाहिए ये ज्यादा बेहतर. बड़ी लंबी छोड़ी वो कैसे आ रही है, वो इनके ऊपर ही है, वो इनके ऊपर है. बिल्कुल नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, उस दिन मुझे इतने सारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आए थे कि हमारी रजिया इतनी नर्वस. मैंने कहा गाइस बैठ जाओ ना वहाँ पे. तो माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन आप और आपके साथ हानी सिंह भी थे हमारे जी, और उस वक्त मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आई हुई थी. तो आई थिंक आप लोग का जो पूरा मेरे साथ था, आई वुड थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर मेला. बिल्कुल आना था और आज तो मैं कह रही हूँ कि आज तो वो जैसे कहते हैं ना कि फिजा में ही जो है वो खुशियों की बहार जो है वो चल रही है और बिल्कुल खुशियों का मौका है के K2 जो है वो अपनी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ते हुए यहां तक पहुंचा है. अल्हम्दुलिल्लाह. और जो हमारी सेकंड गेस्ट है, इनकी तारुफ मैं ऐसे करूंगी कि बाय प्रोफेशन तो ये टीचर है, लेकिन जनरली टॉकिंग जो होता है ना कि इनके साथ मेरी फ्रेंडशिप भी है, इनके साथ मेरी वो बाहर लाइक यू नो वो क्या कहते हैं वो इवेंट्स वगैरह में भी जाना, हम लोग लाइक यू नो वी हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कनेक्शन. बाकी पर्सनल कनेक्शन की तो मैं कभी बात ही नहीं करूँगी क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पर्सनल शो. वैसे ये मैंने लगा बना तो दिया इसका अपना पर्सनल शो, लेकिन उनका मैंने यहाँ पे लेके आने का मकसद भी यही था कि बिकॉज शी इज़ समवन वेरी स्पेशल टू मी. और मैं ना इस मेले की भी एजाज कहते हैं शुरुआत, मेरी उर्दू शुरुआत मैंने अपने लोगों से करनी है और उन लोगों से करनी है जो आर अ पार्ट ऑफ माई जर्नी. हमारा जिया, मुझे तो हमारा जिया बोलते हुए अलग लग रहा है, लेकिन हमारा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, दिल खुश. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इवन. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. और आप आई हैं, मैंने जैसे ही बोल दिया था तो यू वर लाइक ओके फाइन टाइम. और दिस इज द साइन ऑफ गुड फ्रेंडशिप कह सकते हैं कि टाइम बताओ जगह बताओ. एग्जैक्टली. आगे Now, आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा, I won't say कि बहुत ज़्यादा, because you're not someone who speaks a lot, but yes, exactly. मैं 8 साल से यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ एज एन आर्ट टीचर. एक ब्रिटिश स्कूल है शारजा में, प्रोविडेंस इंग्लिश प्राइवेट स्कूल. और बस साथ में फैमिली है, हस्बैंड है, एक बेटी है. अच्छा, बेटी भी है, माशाल्लाह. हाँ, बेटी है, 9 साल. अच्छा, मुझे तो पता था, लेकिन आप लोग को बताने के लिए ये रिएक्शन जरूरी था. नहीं, आप लगती नहीं है ना. बस क्या करें, अल्लाह का करम है. तो 9 साल की बेटी. अल्लाह का करम है या खाना नहीं खाती हैं? नहीं, खाना तो खाती हूँ, खाना तो खाती हूँ, बस जॉब और साथ. आपको पता है यहाँ पे बिजी लाइफ है, जॉब के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी कभी कभी कर लेती हूँ, तो बस ये चलता रहता है. सोशल मीडिया पे इतनी इन, वैसे मैं इन हूँ लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करती. लाइक आई लाइक सोशल मीडिया अलॉट, बहुत सारे आपको भी फॉलो करती हूँ और चीजें, मेकअप वगैरह सब चीजों का शौक है, पर खुद से पार्टिसिपेट नहीं करती. भी अच्छा किया हुआ है. ये जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन गया ना, ये भी आपने दिया है, तो थैंक्स टू यू. नहीं, इट वाज इनसाइड यू. आई थिंक फ्रेंड्स हो या कोई आपकी जो एनवायरनमेंट होती है वो आपको इनकरेज करती है. एग्जैक्टली. आपके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं. आप मुझे थोड़ा सा अपने जो आपके जो शोज होते थे और जो आपका कहते ना कि वो अलग ही टाइम था,
मेमोरीज हाँ, वो टाइम कहते हैं ना कि बाद में देखते हैं तो बहुत, तो व्हेन यू वॉच बहुत याद करते हैं हम, बहुत याद करते हैं. मेरा एक्चुअली मैं भी बहुत मतलब कोई इतनी सोशल नहीं थी या मेरा कोई मीडिया से कोई इतना ताल्लुक नहीं था. ये सब जो था वो मलिक साहब जो हमारे काजी आरिफ साहब हैं उनसे मेरी पहली फेसबुक पे उनसे हुई, मेरी बातचीत हुई और वहाँ से केटू एक बहुत केटू का बहुत वेल नोन प्रोग्राम है बैठक जो कि इस्लामाबाद स्टूडियो से आता है. अभी अभी आई डोंट नो कि आता है या नहीं आता, लेकिन हाँ तो वो यहाँ पे आए तो उन्होंने शो करना था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे को होस्ट करो. मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी, हाँ बड़े एजाज की बात थी कि उन्होंने मुझे अपने अपने साथ को होस्ट उन्होंने मुझे बुलाया. तो वहां से डायरेक्ट को होस्ट डायरेक्ट उन्होंने मुझे मतलब यहाँ मेरे साथ बैठो और प्रोग्राम करेंगे. तो इट वॉज एन ऑनर फॉर मी कि उन्होंने मुझे चांस दिया और उसके बाद से बस फिर प्रोग्राम ही हमारे पास ब्रंच टाइम दुबई असानल और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमने तकरीबन 2.5 साल वो प्रोग्राम किया और मेरे ख्याल से हर ही प्रोग्राम उसका ऐसा था कि हमें आज भी जो है ना वो जब आपको पता वो एक तो हमें खुद बहुत अच्छी थी वो मेमोरीज याद रहती है और एक हमारा फेसबुक जो है वो हमें वैसे भी याद दिलाती है तो ऐसा लगता है कि बस मतलब एकदम से पूरी उस सिनेरियो में बंदा चला जाता है ना कि भाई ये हमने वक्त गुजारा है बहुत अच्छा. तो थैंक्स टू केटू और इनकी मैनेजमेंट के इन्होंने जैसे मैं अपने लिए कहती हूँ कि एक बिल्कुल इन्होंने रॉड मतलब बंदे को बिठा दिया था लाके. तो ये इनके लिए इनकी बहुत बड़ी बात है. जी जी ये इस तरफ नहीं देखते कि कोई वेल नोन बंदा बैठे और आपका प्रोग्राम जो है वो कर रहा हो. माशाल्लाह माशाल्लाह ये चीज मैंने भी नोट की है. मैं आज पहली दफा आई हूँ. एटमॉस्फेयर इज वेरी गुड, बहुत फ्रेंडली, बहुत मतलब इट्स लाइक अ फैमिली. एग्जैक्टली मैं तो पहली दफा आई हूँ ना, मैं इनसे यही बात करी थी कि मैं थोड़ी कॉन्शियस हूँ, मैं कभी ज्यादा बोलती नहीं हूँ ये वो तो, लेकिन मुझे एटमॉस्फेयर लोग बहुत अच्छे और बड़े फ्रेंडली लग रहे हैं. बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है. यू आर वर्किंग, वो कहते हैं ना कि आपकी वर्क एनवायरनमेंट जो होती है, यू नो यू कैन यू वर्क आल्सो, वर्क एनवायरनमेंट बहुत काउंट करती है. आपको इनकरेजमेंट मिलती है या नहीं मिलती है, दिस इज आल्सो. आप जब व्हेन यू यूज्ड टू वॉच केटू, आप कब से देख रहे हैं? मैंने केटू चैनल का नाम बहुत सुना हुआ है, झूठ नहीं बोलूंगी, इतना ज्यादा देखना शुरू नहीं करती थी, लेकिन इट वॉज अ फेमस चैनल, मुझे पता था. मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ पठान, उनके थ्रू भी पता था, लेकिन जब से आपने आना शुरू किया तब रेगुलर हो गया है. वो उससे ये होता है कि जब आपका शो चल रहा होता है ना, ये बैठक का मुझे कैसे पता है, जब आपका शो मैं देख रही हूँ तो उसमें कमर्शियल्स आ रही हैं और ड्रामों का भी आ रहा है, फिर शोज आते हैं तो आपको पता लगना थोड़ा, वो कहते हैं ना रौनक आ गई है, रजिया जान जाती है माशाल्लाह उधर रौनक आ जाती है. ये तो विदाउट एनी एग्जैजरेशन, एक बार इसने स्कूल से भी कॉल की थी और ये कहा था कि मैं देख तो नहीं पा रही हूँ लाइव. मैं मतलब क्लास में टाइम जब जैसे मिलता था खोलती थी, 2-3 मिनट का देख के फिर बंद, मतलब ऐसे कर रही थी मैं. मतलब इट्स एन एडिक्शन आल्सो ना, कि आपको पता होता है कि ये मेरी ये लोग हैं और आज कौन आया होगा, आज बातें क्या होगी, तो वो हाँ तो थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना रजिया टच, रजिया टच वो आया इस शो में 100%. बाकी ये कि एडमिनिस्ट्रेशन और ये वो मैं तो फर्स्ट टाइम नहीं माशाल्लाह, इट्स अ वेरी बिग थिंग फ्रॉम, क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ, मुझे इस चीज का आइडिया इवन. हाँ वो आई थिंक ही इज द बॉस ना, ही इज द बॉस, ही इज द बॉस ऑफ मी. वो मतलब बहुत फ्रेंडली, बड़ा मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और ये बहुत जरूरी है. हाँ और ये बल्बें कैसी लग रही हैं? बहुत क्यूट, ये तुम्हारे लिए लगाई है मैंने. चले गाइज, ये गपशप तो चलती रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं. कम बैक. जिस महफिल में तीन लड़कियां, औरतें नहीं बोलने वाली, तीन लड़कियां, हसीन लड़कियां बैठी हो ना, उस वहां पे हमारे ब्रेक भी जो है वो भी हम लोग कपड़ों से लेके, मेकअप से लेके, जिंदगी से लेके, हर चीज देर में डिस्कस हो गया. इतनी देर में डिस्कस हो गया. नहीं मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी कि आपने जब बात की थी अबाउट द स्टूडियो, द होल थिंग, स्टाफ तो वही आई थिंक आपके जो कलीग्स भी थे आपके साथ, हनी सिंह. अच्छा मैं जब उनसे मिली हूँ पहली बार, हाय अल्लाह, मैंने कहा कि ये हनी सिंह है. हाँ ये वो बोले हनी सिंह है, आपने नाम सुना? बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई वाज लाइक, मुझे एक्चुअली इतनी हैरत हुई कि उनकी लैंग्वेजेस, आई थिंक दिस इज व्हाट केटू माशाल्लाह जो हिडन टैलेंट्स जेम्स होते हैं वो निकालते हैं, डिस्कवर किए हैं सब. बिल्कुल इट्स अ वेरी बिग थिंग. आपको एक सरदार वाले फॉर्म में पश्तो सरदार, हाँ सरदार वाली फॉर्म, और उसके बाद वो मतलब पटवारी भी, और उसके बाद फिर पश्तो भी बोलने वाले, मतलब वो सच अ नाइस थिंग, लाइक यू नो इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग. और ये एक सरप्राइजिंग एंड रिफ्रेशिंग, इट इज अ वेरी गुड मिक्सचर. एग्जैक्टली. और ये चीज माशरे से वो कहते हैं हिडन जेम्स निकालते. कॉल आई है, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु जुबैर द मस्कत ना खबर को हां जी सिंगर चल रहे दा द पख्तो चैनल ने दे सलमा आज मैं उर्दू में बात करूंगी जी जी रजी सुल्तान के साथ उर्दू भी शामिल है और पश्तो भी शामिल बिल्कुल उर्दू के बखबर को कहना हां जी बिल्कुल उर्दू के बखबर को कैसे आप कैसे आप थैंक यू सो मच आपने मेरे शो में कॉल करने के लिए बिल्कुल ये हमारा मेला लगा हुआ है आज हमारा मेला लगा हुआ है नजर आ रहा है माशाल्लाह सेट बहुत प्यारा बनाया हुआ है और अच्छी खासी लाइटें शाइटें भी है ड्रेसअप भी बहुत अच्छा है सेट भी प्यारा है और बहुत माशाल्लाह रौनक है आपको पता है कि हमारा जो चैनल है मुझे तो एक्चुअली मैं तो इतनी उम्र का समझ भी नहीं रही थी लेकिन के टू 11 साल माशाल्लाह अच्छा। मैं भी ऐसी हुई थी इसलिए मैंने वो क्या कि मैं अभी अभी कुछ दिन हुए मतलब ये देखता हूँ लेकिन रेगुलर में खैबर मिडिल ईस्ट और एबीटी खैबर वो ज्यादा फॉलो करता हूँ अच्छा, अच्छा। कभी कभी ऑन करता हूँ इसलिए ये वजह आई थिंक हमारे एबीटी वगैरह चैनल्स के जो खासियत है वो यही है कि हमने हर छोटे छोटे से इलाकों से जो लैंग्वेजेस है जो उनकी टैलेंट है वो सब निकाल के रखा है ना और सबको कनेक्ट करके रखा है सबसे बड़ी बात ये कि हमने सबको कनेक्ट करके रखा है आपका फेवरेट वैसे शो कौन सा होता है हमारे चैनल्स पे आपके चैनल का जो है केटू का पहले जो अभी पीएसएल चल रहा था पीएसएल क्रिकेट मेला वो मेरा बहुत फेवरेट था और आपका मॉर्निंग शो जी जी थैंक यू मॉर्निंग शो अभी फिलहाल के लिए हम इवनिंग शो हो गया जब तक रमजान के अंदर भी हमारी शो चलेंगे तो हम जब तक रमजान खत्म नहीं होता है तब तक हमारी शो इवनिंग में ही चलेगा अच्छा अच्छा और इवनिंग बेहतर है क्योंकि आप लोग सब ड्यूटी से भी आ जाते हैं ना दुबई में संडे वर्किंग डे होती है आपके वो दूसरे प्रोग्राम में तो मैं बहुत ट्राई करता हूँ जिने वाला प्रोग्राम में अच्छा वो कॉल तो मिलता ही नहीं है उसमें तो कॉल लगता ही नहीं है बहुत लोग इसलिए हमने इस शो में कॉल किया चाची दरातों ने बस खैर दे थैंक यू सो मच मेहमानों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सलाम और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं देख रहा हूँ सारे कॉलर्स जो भी है इस वक्त रेगुलर कर सबको मेरे तरफ से सलाम और के टू मेला को सलाम सबको जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको मेरे तरफ से जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा जो फॉलोइंग होती है या जो आपके चाहने वाले होते हैं ना पश्तो में कहते हैं मिनवाल लाइक यू नो आपके आपसे प्यार करने वाले हैं वो आपको कहीं भी लाइक यू नो इनका मुझे सबसे मेन जो हर सोशल मीडिया पे भी बोला जाता है कि हर जगह पे मुझे ये बोला जाता है कि आपकी वो वाली जो पश्तो वाले चैनल और शो होता है उसमें हमें कॉल नहीं मिलती है तीन चार सौ कॉल्स आते हैं लोगों की लेकिन नहीं मिलती है तो इन्होंने तरीका जहाँ कॉल्स कम है वहाँ कर ले बात ही करनी होती है ना सही अच्छा हमारे पास एक पैकेज है जिसको हमने ये केटी की दुनिया मतलब इसमें हमने जितने भी हमारे पुराने प्रोग्राम्स थे पुराने लोग तो नहीं पुरानी प्रोग्राम्स मैं लोगों का भी पुराना इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि उन्होंने आप भी हैं मैं भी आइंदा आगे आने वाली हूँ लेकिन उन्होंने सीरियस नोट ये वो यादें हैं जो शायद आप भी देखेंगी तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है अच्छा। आपको भी नजर आ जाएगा कि ये जो हम इतनी सारी बातें करते हैं और चीजें करते हैं आप भी देख लें हमारी जो नाजरीन है वो भी देख लें ये इस छोटे से सेगमेंट के थ्रू हम आपको पूरी सैर कराएंगे पूरे प्रोग्राम्स की पाकिस्तान से दुबई से हर तरफ से चलिए देखते हैं मेमोरीज याद दिला दिया सच में मेमोरीज बहुत प्यारी वीडियो माशाल्लाह ये हमारे जो एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हैं उन इरम इनाम ने उन्होंने प्रिपेयर किया है माशाल्लाह इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव और रऊफ ने हमारे सो मच बड़ी रऊफ ने एडिटिंग की है रऊफ ने स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह नो एंड इट इज प्रिसाइज भी और आपको एक जर्नी पे आप खुद देख रही थी मैं आपको देख रही थी मैं टीवी देख रही थी आपको देख रही थी अभी प्यारी लगी आई वाज लिटरली बहुत स्मार्ट लगी माशाल्लाह अय्यो अल्लाह नहीं ये एक चीज होती है मैं जब भी वो अपने जैसे फेसबुक का कहा सोशल मीडिया का मेमोरीज जब आती है तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आती है आपको बहुत सारे टाइम पे पता भी नहीं चलता कि ये हमने इतने सालों पहले ये चीजें की थी या ये बातें की थी बिल्कुल माशाल्लाह तो आप पुराने प्रोग्राम देखती हैं वैसे हाँ बिल्कुल मेरे पास सब पूरे मैंने तो रखे हुए अपने ऐसे कोई प्रोग्राम है जो आपके सबसे फेवरेट हो मेरा सबसे फेवरेट जो है वो
मतलब ऐसे तो अब ढूंढना मुश्किल होगा कि नहीं नहीं मतलब एक एक प्रोग्राम है ना जिसमें आपको सबसे फेवरेट अगर आपको किसी को बताना है वो भी हो ना कि मेरा प्रोग्राम देख ले तो उसी का लिंक भेज दे। हाँ मेरा 14th अगस्त का एक प्रोग्राम था। अच्छा जो बहुत अच्छा था। और मुझे अपना एक और प्रोग्राम जो था जो कि 25th दिसंबर पे हमने किया था जो कि कायदे आज़म की थी डेट ऑफ बर्थ भी है और साथ ही क्रिसमस भी थी तो हमने दोनों इकट्ठा सेलिब्रेट किया। अच्छा अच्छा तो उसकी भी बहुत अच्छी मेमोरीज थी। मतलब बहुत अच्छा फीडबैक था और उसका मजा भी बहुत आया उसे करने में। वही दोनों चीज़ों को मतलब जो वो कॉन्सेप्ट था उसको लेके चलने में बड़ी आसानी हुई कि हमारे साथ हमारे क्रिश्चियंस भी थे हमने उनकी उसका क्रिसमस का भी केक हमने वो कट किया था और साथ मतलब उस पूरे आप कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे थे ना कायदे आजम को मिला के और फिर वो माइनॉरिटीज को मिला के वेरी वेरी थॉटफुल वेरी थॉटफुल। आपने किसी को इग्नोर नहीं किया। ये बात तो बहुत खूबसूरत है था। एक्चुअली यूएई में यही सबसे खूबसूरत बात है। आप एज ए टीचर आप इसके ऊपर बात कर सकती हैं। यू कैन एक्चुअली इलैबोरेट। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है यूएई का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आई थिंक मोर देन 199 नेशनलिटीज हैं और ये किसी को भी इग्नोर नहीं करता है। किसी को भी किसी वर्क प्लेस से लेके वर्क प्लेस पे स्कूल में कोई मतलब सऊदी का है नेशनल डे कोई वो कहते हैं ना कुवैत का है पाकिस्तान का इंडिया का है हर कंट्री का बांग्लादेश चाइना चाइना मतलब वो बहुत अच्छे और खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट होता है। अगर वो क्रिसमस है ईद है दिवाली है जी जी दे सेलिब्रेट और हर कोई पार्टिसिपेट करता है हर कोई एग्जिस्ट करता है बहुत हार्मनी से और जो हार्मनी नहीं दिखाते उनको डरते भी नहीं है। नहीं देखें अब ये नेशनल डे की बहुत बड़ी एग्जांपल है। नेशनल डे यूएई का होता है पर पाकिस्तानी इंडियन हर नेशनलिटी के बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं वो यूएई के ड्रेसेस पहन रहे हैं। वी कॉल इट आवर सेकंड होम। एग्जैक्टली इवन मेरी बेटी वो उसको होता है कि मुझे फ्लैग वाला ड्रेस चाहिए और सबसे बड़ा फ्लैग चाहिए क्योंकि मैंने सबसे आगे खड़े होना क्योंकि यहाँ से आगे हमने कहीं भी नहीं है एडजस्ट भी नहीं हो सकते। यहाँ पे जो रहे ना वो एडजस्ट नहीं हो सकते जी जी। ऐसा कोई भी वाक्य हमारा जो आई वुड से इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस जिसमें ये जो आई वुड से अमन क्रिएट किया गया व्हाटएवर जो हमने यहाँ पे भी एक मिसाल खड़ी की है कि इनकरेजिंग एंड ये वो तो स्कूल में हैव एनी एक्सपीरियंस जहाँ पे एक अच्छा जब आप ब्रेक के बाद होगा मैं सवाल भी आपसे ब्रेक के बाद ही करूँगी मेरे कान में आ गया ब्रेक। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं अमारा के साथ। वेलकम बैक। एक मच नीडेड ब्रेक था लेकिन हमारा मोमेंटम टूट गया थोड़ा सा हमारा हमारे से हम बातचीत करेंगे। आपने चाय पी ली? ओके आपका जो मेरा सवाल था वो सवाल ये था कि इस प्लेट मतलब अपनी जो स्कूल वाला जो आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आपकी कोई भी ऐसी चीज़ मुझे बता दें नेशनैलिटी से हिसाब से लेकिन कि ऐसे कोई टाइम पर आपको ये लगा कि आप कहीं और होती तो शायद इस तरीके से हार्मनी में वो चीज़ नहीं होती। शायद आपके बच्चे से रिलेटेड या स्कूल में बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसा लगता है कि हर दूसरी कंट्री में ये चीज़ है ही मतलब यूएई बेसिक वाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने इतनी सारी नेशनैलिटीज़ को एक साथ देखा है। तो मैं तो टीचर हूँ स्कूल में तो बिल्कुल हर तरह की नेशनैलिटी आप इंडियन पाकिस्तानी लिबनानी इजिप्शियन फिर आप ये देखें सुडानी मतलब अफ्रीकन अमेरिकन हर नेशनैलिटी लेकिन बच्चे इतनी हार्मनी से रहते हैं। आज तक कभी भी मैंने नहीं देखा कि कलीग्स में या बच्चों में आपस में इस चीज़ को लेकर कोई डिस्टर्बेंस हुई हो। अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसको वो उतनी रिस्पेक्ट देते हैं अगर कोई हिंदू है उसको उतनी रिस्पेक्ट देते हैं कोई मुस्लिम है उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलती है। ये नहीं कि ये मुस्लिम कंट्री है तो सिर्फ मुस्लिम्स को ही प्रायोरिटी मिलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैंने अपने 8-9 साल के एक्सपीरियंस में कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखी। आप यहाँ रही हैं एग्जैक्ट काफ़ी मैं बिल्कुल सेकंड करूँगी इनकी बात को कि ये वाइब्स जो है ना ये ऊपर से आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल मतलब जो गवर्नमेंट है यूएई की वो मतलब बिल्कुल इनका एक बेसिक इनके सारे क्या कहना कि जो पॉलिसी है उसका एलिमेंट है एक तरह उसके साथ ही ये सारी इतनी नेशनैलिटीज यहाँ पे रहती हैं तो वो कैसे रह सकती हैं अगर ये मतलब गवर्नमेंट के पास ये सारा जो है वो उसको करने की कोशिश ना करे तो वो खुद इतनी टॉलरेंस दिखाते हैं सबके लिए इतनी एक्सेप्टेंस है उनके लिए हर मजहब के लिए। बिल्कुल ऑब्वियसली फिर वो हर चीज़ आप देखिए हम स्कूल की बात करें हम अपनी बिल्डिंग्स में
मतलब हमारे नेबर्स नेक्स्ट डोर नेबर्स जो हैं वो या तो इंडियन होगा या बंगाली होगा या नेपाली होगा या कोई किसी भी अरब कंट्री से होगा, अलग अलग डिशेस भी मिलती हैं, अलग अलग बिल्कुल रमजान में स्पेशली जो है एग्जैक्टली अलग अलग उनकी अपनी अपनी जो अरब्स होते हैं मिस्री मतलब मिस्र के होते हैं वो लोग अपनी अपनी डिशेस लेके आते हैं, साथ आपकी कौन सी है वो आपको खुशबू वैसी फ्लोर पे आते जाती है बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये एक वाहिद जगह है जिसका मैं हंसती ये बोलती हूँ कि मैं रात के 2 बजे भी निकलूँ ना एक वॉक के लिए भी जा सकती हूँ। एग्जैक्टली सेफ्टी का तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए आई थिंक लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि दिस इज योर टेक्निकली फ्यूचर वाइज सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल अपनी नस्ल को आगे वो करने एक मुझे नाम याद नहीं है किसी पाकिस्तानी यूके नेशनल पाकिस्तानी थे तो उन्होंने वो ये फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे दुबई आए और मुझे नाम भूल गया पठान थे वो भी और इंग्लिश और पश्तो बोलते थे और उर्दू उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी नाम मैं उनका भूल गई। अच्छा वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला मैंने कितनी कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल की हूँ और ये मुझे वाहिद कंट्री ऐसा मिला है जहाँ मैं अपनी गाड़ी लॉक करना भूल गया और मैं वापस आया मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी you know, तो कितनी सरप्राइजिंग वो कहता है मुझे समझ नहीं गाड़ी आप गाड़ी इसी चीज़ पे आई वेंट टू द US और मैंने अपने जो बैग जैसे हम जो छोड़ देते सिर्फ वॉलेट उठा देते हैं मैंने रख दिया। माय सिस्टर केम इनटू वॉलमार्ट और मुझे कह रही है बाजी व्हाट द हेल मेरी गाड़ी तो आपकी वजह से टूट जाए मैं कहा नहीं लेकिन वॉलेट तो मेरे पास कहती है वॉलेट आपके पास ही क्यों ना हो लेकिन यू नो सो माशाल्लाह माशाल्लाह। सिमिलरली हमारे जो यहाँ के टीम भी है उससे भी हम लोग वैसे ही सेफ्टी और वो जो जो फीलिंग आती है ना होम वाली वो यहाँ पे भी हमें एक वर्क एनवायरनमेंट में भी मिलती है। और K2 का मैं ये स्पेशली कहूँगी कि मुझे शुरू दिन से ये फीलिंग ही नहीं आई कि मैं किसी ऐसी जगह पे जा रही हूँ या कोई ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे मुझे जज किया जाएगा जहाँ पे जैसे सोशल मीडिया पे होता है ना सोशल मीडिया पे आपको तो ये तक बोला जाता है कि आपने आपने कभी जिंदगी में ये नहीं किया तो क्यों कर रही है यू नो डिस्करेज encouragement, encouragement is the main key मैं कहती हूँ यहाँ पे कहो या कोई second name of Razia is encouragement वो मैं करती हूँ ना तो मुझे कोई encourage नहीं करता मुझे तो ऐसे ऐसे कभी कभार जब शुरू वाला मेरा प्रोग्राम हुआ था मुझे ऐसे ऐसे भी क्रिटिक्स मिले थे जिन्होंने कहा टीवी हर किसी की बस की बात नहीं है मैंने कहा बस मेरे लिए दुआ करो मैंने ये मैं ज्यादा किसी के साथ बहस नहीं करती मैंने कहा मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं आपकी उम्मीदों पे यही तो तुम्हारा कमाल है ना आपकी उम्मीदों पे पानी फेर दूं उम्मीद कहना था आपने उनको नहीं ये बड़ा पता है ये बड़े हार्श कमेंट्स को बड़ा पोलाइटली आंसर करती है इसकी ये बहुत अच्छी बात है कभी भी लड़ती नहीं है बट आई टेल यू वन थिंग देयर इज नो यूज मैं नेगेटिविटी को ब्लॉक करना मैंने एक चीज चाहे वो आपकी आम तौर जिंदगी पे हो या आपके इर्द गिर्द के लोग हों समटाइम्स यू कांट गेट रिड ऑफ देम यू कांट तो आप उनको कितना डिस्टेंस में रखें और कहाँ तक अपने आप के ऊपर अफेक्ट सबसे बड़ी बात ये होती है अफेक्ट करना आप उस चीज को अपने पर हावी ना करें एग्जैक्टली और ये बड़ा मुश्किल काम है जी ये आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए मतलब एकदम से इनकाउंटर ना हो बाद में आप अपनी एबिलिटी से शो कर दें कि क्या समथिंग देखिए ये जो बात है ना लोगों आप लोगों को शोर आ रहा है कोई शोर आ रहा है गाइस लाइव शो चल रहा है किसका शो हेलो 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 ये केतु चैनल ये केतु वो मेला ये वाला और भी भाई किसका कौन हो व्हाट इज द नाम भाई हेलो हेलो व्हाट इज द नाम इधर इधर पे अल्लाह ले ये तो कौन है इस बात बोल रहा है कुछ ये अपना अपना बोल क्या कौन हो आप क्या कर रहे हो यहां पे सॉरी 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 गाइस आप मेरा कौन है आप कौन है आरिफ पापा ढूंढना था जी आरिफ पापा आरिफ आरिफ कौन है आरिफ मेरा काके ना पुत्र है जी मैं नहीं जान आप समझ सकते10 साल पहले मेले तो गुम होया ग्रहण ला पे जा आरफ लिया तो आप 10 साल बाद ढूंढने आए की करन जी टिकट मजा बेची हन ते हुन टिकट करा के दे अच्छा सारे बेची गए दो बेची हन जी नहीं तो आप शोर क्यों कर रहे हैं आपको हुआ क्या है शोर नहीं कर रहे जी और भी चाचा चला गया शुक्र है बड़ी मुश्किल से पहुंचे जी अच्छा अच्छा आरफ किथे जी कौन आ रहे आप उनका नाम बता रहे हैं कि बारे में कुछ बता दे तो हम 10 साल पहले वो गुम गए थे वो 10 साल बाद अब ढूंढ रहे हैं ये मुझे नजर उनसे 10 साल बाद सो कि ये भी नहीं पता वो किसने किए ये K2 चैनल है K2 का मेला हमारा
यू नो 11 साल का हमारा भाई जी तो सर मैं बड़ी मुश्किल से कैटू ने मेले से आया जी वो बैठो प्रोग्राम में मेला प्रोग्राम है ये कोई वो नहीं है मदारी शदारी वाला खेल नहीं है सर्कस नहीं है ये अच्छे तरीके से बैठे और आप हमें बताएं अरबी साहब ना सो की शुक्रिया अदा करना चाहिए ना उसकी बिल्कुल सही जगह पर किनता है बहुत अंकित जी समझ नहीं आ रही सो की थके नहीं ना उनसे आप उनके क्या लगते बड़े सना शुक्रिया आप उनके क्या लगते काके ना पुत्र हैं जी अच्छा काके ना काके काके ना पुत्र मतलब काका तो बेबी नहीं चाचा नहीं छोटू से बेबी है आप वो काका नहीं जी चाचा तारा अच्छा 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 तो आप क्या आप कहां से आ रहे हैं मैं अजरू तो आया हूं जी अजरू में क्या करते हैं आप बस ही डंगरां से काम करने जी बकरियां चराने हैं ते नाल बकरियां खेती होती है खेती बाड़ी करने जी खूह ना काम है ना जी सब्जियां सब्जियां ना काम है साड़ा अच्छा जी 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 तो परिसर तो अच्छा लगने पे अच्छा ऐसा जड़ा छाला जैसा है या तो सब चादर जी हां ये चादर है जी अरुण जी चादर है जी अरे वाह एक खेड़ी है सोनी खेड़ी एक खेड़ी भी है सबके जा लेकिन आप यहां पे उनको ढूंढने आए हैं तो आपको किसी का कुछ पता ही नहीं है कहां से किसी बस ए भी ओके प्रोग्राम की पूरा प्रोग्राम जी केटू मेले का एड्रेस पकड़ा जी जी वो पकड़ के फिर मैं दो मजा बेच के मैं टिकट करा के आने जी मजा बेचे फिर मैं दुबई आया जी फिर तब सोकी मिलवाना पे सिर्फ मंजा बीच का आयो रे शुक्र है चाचा सर जरा से हमें ये जिन आरिफ काजी साहब के जरा फोन मिला दें क्योंकि ये बंदा मुझे समझ नहीं आ रही है यहां तक उनको बुलाया कैन यू एटलीस्ट आप उनको कॉल जरा मिला दें हम पूछ लें कि कौन है हमें अपनी तरफ से भी दिखाना है ना पूछना भी है क्या कॉल मिलाओ काके का पुत्र है या नहीं है आपके हेलो है आरिफ वाली हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम कैसे आप सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोग कैसे हैं बिल्कुल ठीक सब ठीक ठाक हैं सर ये हमारे प्रोग्राम में एक शख्स आए हैं शख्स नहीं जी नड्डा आया जरूर अच्छा नड्डा क्या होता है जी मेरी बात सुने जी जी ये नड्डा जो आया मैं इससे बात करता हूँ लेकिन उससे पहले ये रुखसाना भी बैठी हुई है उनको फरजाना आप भी बैठी हैं उनको बहुत बहुत सलाम हमारी दूसरी गेस्ट बैठी हैं उनको बहुत बहुत सलाम और आपको ढेर सारा सलाम और केटू के देखने वाले सारे जितने भी नाजरीन हैं सबको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर कैसे आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब ये इस नंडे से मैं जरा बात कहानी जो आप लोग प्लीज जरा अपने कान बंद कर ले मैं इसके साथ बात करता हूँ मेरे पास है ओ नवीन दया हाँ पुत्रा नवीन जी जी नंडिया जी जी अल्लाह का वारसी किधर मेरे शर्माने वास्ते आ गया खुदा दे बंदे आरफा की होंदा तू पे लगी है आरफा 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 वो काजी आरफ महबूब पूरा ना कहन शर्माल छोड़ी पूरी दुनिया पे देखती है इस टाइम बहुत साहब बन गया है बड़ा साहब इथे आके हुन पता लगा और यार मेरी गल सुन ग्रहण के हालात और होने नहीं यार इधर के हालात और इधर अभी बड़े अफसर बन गए तू असा पुराना हो नालियां ते कसकियां आला पे आरफा समझ अल्लाह दा वास्ता ओ वाह पूरा ग्रां तुझे टुंडा पे आए 11 साल बाद 11 साल पहले तू इस बेले घुमाए और 11 साल बाद मैं जाया अल्लाह दा बेले और मैं बेले घुमा मैं आरफा या लेला वा जेड़ा घूम गया तू साड़ा तो ले ले ही है हमारे लिए साहब है अब जरा नहीं मुझे ओ मेरा प्राय मेरा काके ना पुत्र है पूरा ग्रांड ये बात सही है सर ये जो आपको दस कौन है गल सुन तू जिधर बैठी है दुबई है उधर काका बच्चे हैं आते नहीं जी पता नहीं कब से मुझे कह रहे हैं मैं काका हूँ मैं नाना हूँ मैं पौता हूँ पर ग्राया ने तो सारे काका चाचे हैं आखने ना ओ यार मेरी गल सुन यार दुर्मा पे क्यों तू सारे ने सामने वाद वाद पे शर्माना यार के हो गया तेरा जात क्या गया मुंडिया के पे करना है तू मुंडिया मादा सब मैं की करा ओ अल्लाह ना वाती जरा सबर कर तेरे जरा चंगिया पढ़िया लिखी दिया गला कर सारिया मेहमान पढ़े लिखी दिया गला की करा है सामने मैं बहु वड़ा अफसर लाजमी के पे करना है इथे ओ मैं मल्लक वाला प्रोग्राम देखा है तेरा गल सुन वो बहुत सवाल करनी है खूह वाली जमीन तो ना पानी चक्कर नहीं है
यार गलत क्या करना है यार, कोई थोड़ा जहा बंदा कुछ ख्याल कर दे, मासियां बैठिया ने ना कल मैं बैठ के कोई काम शाम कराने ने ना कोलो ये मेरी की इज्जत कर सुन जे तुमने माए तो पूरी मंडी च ना गोंदला दी लगी दी हुंदी यार ले पासे चक्कर ला छोड़ते लोका दा छोड़ना साहब है तू ते मां क्यों ग्रह ने तू भेजू तेरे पीछे साहब दसने वास्ते कोई बंदे मतलब यार उस वास्ते की कोई कपड़े पाने पैंदे ने की हो गया तेरे महाराज पता लगा तू एडे बड़े साहब है ते गल कर सही हला ते तू सुनी हला हला कौन किसने गाल सुना मेरी गल सुनी मैं उर्दू च गल कर सा पढ़ी लिखी है जरा देखी गल किस तरह करने हला करो हाँ जी एक्चुअली बात ये है कि हम लोग जिस जुबान में बात कर रहे हैं जी ये हजरों की छाछी जुबान है हिंदकों का एक है ये मिक्सर है हजारे की और हमारी जो पोठोवार की है पोठोवारी है और ये मुख्तलिफ एक हिंदकों है जो छाछी लोग बोलते हैं हजरों वाली साइड पर गुरगुश्ती वाली साइड पे छछे का इलाका तो ये मुझे ढूंढता ढूंढता है आप लोग काइंडली इसे कोई खाना वाना खिलाइए इसका ख्याल कीजिए बहुत अच्छा बच्चा है ये शायद इधर मुझे ढूंढता हुआ आ गया मैं तो इस्लामाबाद निकल आया था मैंने इसे कहा था कि मैं इससे मिलूंगा लेकिन प्लीज फरजाना बाजी तुसी प्लीज इन्हें ना खूब ख्याल रखियो मुझे लागे ना ना अच्छा तो ये भी हमारे साथ बने काजी साहब क्योंकि इतनी गल तो मन्नी पे सी ना ये मंजियां बेची था आया इतना जी जी मंजिया बेच के आया और मेरे यहाँ शर्मालदा ने जाको यार अल्लाह वाते यार ये गलत ना करे होना आया ना लैंड दे होन समझ आई है माँ सारी चल ठीक है होन मैं सोनिया सोनिया गलत कर सा मैं की गल करन जी पढ़िया लिखे तेरे नाम जी मैडम बैठी है तेरे नाम तो चले सर हम इसका ख्याल रखेंगे थैंक यू सो मच आपने क्लियर कर दिया क्योंकि मैं तो हैरान और परेशान हो गई थी थैंक यू जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा मैं यहाँ पे बिठा रही हूँ इसे आपका दोस्त है ना मैं बिठा रही हूँ बात सुने ना जी ये कभी इतनी अच्छे लोगों के बीच में इतने खूबसूरत लोगों के बीच में बैठा नहीं है बेचारा थोड़ा सा परेशान हो गया बस कर बस कर तो बोल गई यहाँ पे सारे तेरी खोपड़ी बकरियाँ बेचने आ गए सारे तेरी बकरियाँ चलाना है भाई तेरा जीला रहा तेरा बंदूक बस कर दी जाए जो अल्लाह हमें ख्याल कीजिएगा आपसे ख्याल कीजिएगा ऐसे करते हैं कि आपको थोड़ा सा खाना माना खाया आपने क्योंकि आप उनके दोस्त निकले तो आपको खाना चले थैंक यू सो मच सर आपने क्लियर आउट कर दिया है लेकिन आप चले आप तो आपको चाय भी पिला देते हैं आप गाइस इनको एक जरा सा चाय वाय कभी लेके आ जाए कैसी चाय पीनी आपने चाय सही मीठा तेज होना चाहिए मीठा तेज होना चाहिए गाइस एक कप बना लें इनके लिए क्योंकि हमारे मेहमान बन गए अब तो एक्नॉलेज कर दिया कि ये हमारे मेहमान है तो भी मेहमान है हाँ जी तो आप जो लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो कौन सी अजरू जुबान में अजरू जी तो अजरू के बारे में कुछ बताया क्योंकि मैंने पहली बार सुना है इस जगह का ये है कहाँ पे अपनी पूरी जगह का बताएं अजरू अटक का नाम सुना है जी अटक डिस्ट्रिक्ट है अजरू तहसील है इसकी अच्छा अजरू दे 84 विलेज है 84 जी 84 विलेज और अजरो बहुत खूबसूरत इलाका है तुसी नहीं गए हो नहीं 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 मैं पहली बार सुने वही तो मैं कह रही हूं कि मैं तो सोच रही हूं मजाक कर रहे हैं तुसी तो गए हो सुना जी जी मैं तो देखे हैं सारा अजरो देखे हैं सारा कैसी खूबसूरत बहुत खूबसूरत इलाका है वहां की खासियत आपके अलावा क्या है आप एक खासियत है वहां की अजरो अजरो का नाम सुनेंगे तो आपको नड्डा साहब को भी याद करेंगे देखिए जी अजरो अजरो जड़ा ना अजरो जी 84 विलेज डिस्ट्रिक्ट कटक जी आप पढ़े लिखे लग रहे हैं वैसे जी मैं पढ़ा लिखे दाज माता पास है ना दाज मान कितने होते हैं दस क्या बात है चले मैं इनसे थोड़ी सी बातचीत करती हूँ लिए चाय वाय का इंतजाम करती हूँ और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और भी बातें करते हैं वेलकम जी आप चाय कैसी है मिठी है ना वैसे जैसे आपको पसंद थी ना तो शुक्रिया करें हमारे सर देख रहे हैं उनको शुक्रिया भी कर दें जी जी बड़ा शुक्रिया अच्छा वो जड़ा मेरे नाल अरबी चाचा है उसने चाय पिला उनको उनको पूछ लेंगे आप फिक्र नहीं करें आप उनकी फिक्र नहीं करें आप यहाँ तक वैसे दुबई में कब से मैं सुबह पहुँचा जी अच्छा सुबह सुबह सीधा एयरपोर्ट तो इधर आए पैसे बेच के ये नहीं बकरियां हैं आपने अपने ये नहीं बेचा भैंसों के साथ हां ओ नहीं जी सारी सकाफत ऐसी कितने बेच सकते हैं हां ये भी सही बात तो क्या-क्या बेच के आए हो दो मंजा मंजा
ऐसे चाय आप बहुत शौक से पी रहे हैं। सब सही आपने समझ क्या है कि भाई पढ़िया लिखिया गल्ला करो तो पढ़े लिखे थे ये पढ़िया लिखिया गल्ला करते हैं। दसवीं पास है? दसवीं पास है। अच्छा नहीं असल में पास या पास की थी? पास की थी। पास की थी। कैसे पास की थी? कितने मार्क्स आए थे आपके? बस करके दिए ना जी। अच्छा अच्छा वो भी पैसे बेच के? नहीं 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 होता सही नहीं मैं बोल सकना मैं असल इतना मैं अंदर आया तो मैं मुंह से जनानी बैठी मैं किसी ने कार नहीं पड़ा जी जी उर्दू आती है ना जी क्यों नहीं आती उर्दू आती है या जाती है नहीं आती है जी नहीं बड़ा पठानों में होता है ना आता है जाता है हमारे मुजक्कर मोहनस बहुत दिन से मैंने इसलिए पूछा आप बुरा ना माने मैं पठान हूँ ना तो मेरी भी उर्दू मादरी जुबान नहीं है ना इसलिए मैं अच्छा अच्छा नहीं उर्दू आती मुझे आती है ना तो मैंने सोचा आपको आपसे जाती हूँ और बताया तो जाती है ना फिर ना आती तो जाती है फिर अच्छा वैसे आप अपने इलाके के बारे में बता रहे थे तो आप लोग जो खाते हैं मैंने सुना था कि आप लोग की कोई अच्छी सी डिश भी आती है जो इतनी बड़ी बड़ी देख सकता है हाँ जी हमारे उधर इलाके के बीच ना कटवा कटवा जी जी कटवा क्या होता है भट्टी का एक बहुत बड़ा बर्तन होता है ऐसे आंडी जैसे कहते हैं उसके अंदर गोश्त वो पकता है वो शादी ब्याह या ऐसे कोई भी गमी खुशी हो उसके रात में ना पकाना शुरू कर देने वो सुबह जाके 10-11 बजे तक रेडी होना है ब्रेक में ना मैं यही गूगल कर रही थी कि ये जगह कौन सी है इसकी खासियत क्या है इनसे हम बात क्या करें मेहमान तो जबरदस्ती बन गए हमारे क्या करें वो देखें आपके साथ इतनी एजुकेटेड और सब तो आप जरा सा अच्छी तरीके से बात करें और क्योंकि हम आपको आपको जितनी एहतराम दे रहे हैं ना आपके जिस तरीके से शोर में आए हैं ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं चलती हैं आप मुझे पता है आप जहाँ से आए हो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें और आरिफ काजी साहब की वजह से आपको यहाँ पर बैठने भी दे दिया है तो आपने उनकी इज्जत एटलीस्ट रखनी होगी और ये जो हमारे साथ बैठी हुई भी हैं ये हमारे मेहमान हैं औरतें हैं इनके लिए वो बेचारी इतनी डर गई कि वो बीच में उसने वो भी रख दिया मैं पूरी वक्त देख रही थी हमारा यूं हुई थी कि ये कौन आ गया कहाँ से आ गया तो जरा हमारे जो देसी लोग होते हैं वो उनके पास ये रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है मतलब हमारे दूसरे लोग भी करते हैं लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो औरतों की इज्जत करना बहुत अच्छे से जानते हैं मैं हमेशा से ये यहाँ पे जैसे कि हमारे पठान भाई भी हैं और इससे पहले कि मैं अपनी पश्तों में बात करूं उससे पहले ही जैसे ही वो देख लेते कि एक औरत जात है बैठी हुई है कंफर्टेबल फील करा देते हैं कोई फजूल की वो हरकत वो भी डिपेंड होता है कि औरत किस तरीके से अपनी इज्जत भी करा रही है लेकिन एट द सेम टाइम वो मैंने ये चीज़ वैसे बहुत नोट की है जितनी इनके साफ दिल होते हैं ना जो पिंड से आते हैं और जो बाहर से आते हैं उनकी जितनी ज़्यादा होती है हालांकि हम लोग समझते हैं कि इन्होंने कभी औरतों को देखा नहीं होगा वैसे और यू नो लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी भी ये बात है तो आपकी तारीफ कर रही हूँ मैं प्लीज जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मैं उस इलाके तो हूँ जी जरा 84 विलेज का तुम नाम मेरे को सुना है उस 84 विलेज के बिच जितनी भी औरतें एक ही चादर करनी है एक किस्म की चादर उस असि 6 लाख ने छेल और पूरे पिंड औरतें सेम वो नहीं पता चल रहा कि मेरे घर तो जा रहे हैं तुसा घर तो जा रहे हैं किस के घर तो जा रहे हैं और वो मतलब उसका एक मैसेज ये है कि वो तियां पैना सारे नहीं आसान है बहुत खूबसूरत मैं अपने इलाके दी इस चीज़ ते अल्हम्दुलिल्लाह फखर है कि जिस वक्त वो औरतें गुजर रही हैं असल नहीं पता चलना कि किस ते कर दी हैं क्योंकि वो छेल सहम है तो बहन सब आपकी माँ बहन ही है पूरे गाँव की एक सेकेंड एक कॉल आई जी चुप रहना आपने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है कौन बोल रहा है कहाँ से बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक मैं अली बात कर रहा हूँ अलनादा से हाँ जी कैसे हैं आप मैं ठीक ठाक आप कैसे हैं मैम ठीक ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप पहली बार शो देख रहे हैं और कॉल कर रहे हैं या पहले भी कॉल कर चुके हैं नहीं मैम मैं तो हर वीक देखता हूँ एक्चुअली कॉल फर्स्ट टाइम मिली है ओके ओके आज हमने कॉल जैसे बहुत कम उठा रहे हैं तो आप लकी है
एक्चुअली आपका शो वैसे तो बहुत माशाल्लाह से अच्छे से जाता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग है ये नदीम भाई की वजह से। हाय हाय नदीम नहीं जी, नवीद, नवीद। अच्छा सॉरी, मुझे नाम ही नहीं पूछा नवीद। नवीद एक्चुअली मैं इनसे थोड़ी बात करना चाह रहा था अपनी जुबान में। अच्छा ये आपकी जुबान का निकले, चले बात कर ले, कर ले कर ले, आपकी जुबान का निकले जी सर, बोलो बोले बोले जी, बोलो जी। ओप्पा जी क्या जी, ठीक हो? अल्लाह ना शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सरकार आज मेरे संजय भी याद करवा दी थी जी जी। मैं तुसा ने आज मां मेरे संजय भी याद करवा दी थी, उसका नाम है डोडी। अच्छा उसका लहजा गल करने का तरीका सब कुछ तुसा निकालिए, मैं उसका कॉल की तुसा बता है मसरूफियत की वजह तो बंदा रास्ता नहीं कर रखता। बड़ा शुक्रिया जनाब, तुसी साडा प्रोग्राम देख रहे हो ते मलक ओए जिस मेले तू गुम गया लगना मैं भी गुम सा। केटू ना मेला कोई आम मेला नहीं है। बड़ी शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी तुसा कॉल कीती है ते तुसा साडा स्टाइल ही छछना ते तुसा अपना दोस्त याद आन ते मैं भी तुहाडा दोस्त हां जनाब। ते गल तो एक तुसा ये छोटी जी गुजारिश ही, ज्यादा ओके लफ्ज ना बोले करो, ये मैडम जेड़े ने पठान ने ते ना समझ नहीं आंदी। खैर इना जरा माइक ते बैठे फरम दसे करो क्योंकि ना समझ नहीं आंदी ने ज्यादा। समझ आवे सी जी, चलो हुन उना अपनी जुबान दी समझा दे जी, आ जासी समझ जी ना। ओ बदला, ओ बदला ने कहने के ओ पश्तो इज फिर गल करने जेडी ऐसा नहीं समझ इच नहीं असनी फिर जी। तो यहां पे तो बहुत सारी जुबानें बैठी हैं, मुझे भी आधे लफ्ज समझ नहीं आ के ना की तुसा ना भाई जान। मेरा नाम अली। अली भाई बड़ा शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी तुसा कॉल कीती है ते इसी तरह साडे प्रोग्राम में कॉल करने रहे आपकी कॉल के लिए, और इनको एक्चुअली हम आपकी वजह से और ज्यादा सहेंगे। थैंक यू सो मच। तो हमारे पास एक पैकेज है, ये अगले कुछ हफ्तों के लिए इट विल बी वन ऑफ आवर परमानेंट सेगमेंट्स, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, मतलब पुरानी यादें हम लोग ताज़ा करने वाले हैं। तो इसको चले देखते हैं थोड़ी सी, ये हमारे एक परमानेंट सेगमेंट होने वाला है। बेसिकली माजी की दरीचे, ये मैं उठा लूँ, उर्दू मेरी अच्छी खासी है। थैंक यू सो मच, चलिए देखते हैं। मजे के वतन के गाने गाना इज लाइक रिमार्केबल, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जब इंसान अपने देश से जुदा होता है, अपनी मिट्टी से दूर होता है, और स्पेशली जब अपनों से दूर होता है तो फिर देश की मिट्टी और देश के लोग, देश की बातें, देश के खाने और देश की वो सारी जो मोहब्बत भरी बातें हैं वो याद आते हैं। कुछ और कहना चाहेंगी केटू के हवाले से आज एक महफिल? जी केटू बड़ा मज़े का चैनल है, बड़ा अच्छा चैनल है, और मैं अक्सर मुझे बुलाते रहते हैं और मैं जाती भी रहती हूँ। मोहब्बतों में तेरे नाम के सिवा क्या है, मुझे बता के तेरे प्यार को हुआ क्या है, तेरे बिना भला मैं किस तरह जीऊंगा यारा, कभी मुझको बता कितनी खूबसूरत चीज लिखी है आपके लिए, कि कोई अपनी तरह खूबसूरत सा शेर सुनाइए। नाजुकी उनकी लब की क्या कहिए कि पंखड़ी जैसे गुलाब की। वाह क्या बात है, वाह जी, आप सबकी तालियों की गूंज में मैं वेलकम जी नौमान लाशारी। कोई सभी रोमांटिक सॉन्ग सुना दीजिए,
उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वाह सर, आपके लिए था ये, बिल्कुल आपके लिए था। आजकल पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कौन सा शहर है? इस्लामाबाद। आप सोच लीजिए। हाँ सही है। आप गई हैं? मैं रही हूँ। तब तो वो था, अब की बात कर रहा हूँ। अच्छा बदल गए। थैंक यू वेरी मच जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तेरा मनना, अल्लाह पामान, खुदा हाफिज। ये बहुत मजे का था एक्चुअली। मुझसे भी अगर को पूछा ना कि दारुल, आई बी लाइक इस्लामाबाद था तो सही, इस्लामाबाद है लेकिन थोड़ा सा वो कर जाए तो आप भी होंगे डाउटफुल हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने दूर रहते हैं तो अगर कोई बदली हुई चीज बदल भी जाती तो हमें पता नहीं है। एग्जैक्टली, न्यूज़ के साथ अपडेट नहीं होता ना। अच्छा ये दुबई का एक इवेंट था तो वो जो आपको चीजें नजर आ रही थी और यू नो तो इट वाज नाइस, सारे फेसेस नजर आए आपके, आपके दोस्त आरत जी देखे आपने जी जी, तो उनके लिए कुछ बोल दें आप, कैसे लगे जी? अच्छी तरीके से बोले, हमारे साहब हैं। नहीं आरिफ तो आरिफ ना बोले, आरिफ साहब बोले जी। आरिफ काजी साहब आज पता लगा, आरिफ काजी साहब बड़े अच्छे हैं और इन्होंने बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं, बैठक प्रोग्राम में बड़े स्पेशल देखना, उसी चक्कर ही तो मैं थे आया। क्या उनके साथ बैठक में बैठेंगे? वो तो बेस्ट है ना जी, तो बैठे होंगे और मैं तो इसी चक्कर चाहा ना कि बैठक लगी उसी बैठक दे जाके मेले दे एक्साइटमेंट में भंसे भी इसलिए हां नहीं है ना, इसी चक्कर दे के मैं सा केटू दे मैरिज जाके पकड़ सा। अब रहेंगे कहां पे आप? है कोई जगह इथे? हां है जी, नहीं नहीं ग्रैंड लोग रहने वाले आप जी? स्टूडियो में नहीं रह सकते? नहीं नहीं, तो मेरे ग्रैंड लोग रहने ना जी, मैंने को रहसा ना। अच्छा वो जो अरबी आए थे आप जी? अरबी नहीं जी, वो तो इथे ना, वही तो ना मैं कह रही हूं कि किसके साथ हुआ किसी ने कॉल कर सा, किसी ग्राहक ने किसी बंदे मिल सा, थे हैं काफी सारे लोग। अच्छा तो वो भी आपको आरिफ काजी साहब बना के देंगे? इस तो बाद आऊं वही करके देसी कौन करती है। हां बात है ये, ऐसे दोस्त हमें, तुम ऐसे दोस्त हो, मुझे ऐसे दोस्तों की बहुत सख्त जरूरत है। मैं हूं ना, मैं शारजा हूं तो मुझे ले, लेकिन उसके लिए पैसे बेचना बड़ा जरूरी है। वो तो बेच है ना छोड़ जी, उन्हें थे भी काम शम कर सा शारजा ने। अच्छा ये आप ग्राइन ग्राइन वर्ड बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या जी? ये ग्राइन सब कुछ वर्ड ग्राम पिंड नु कहंदे जी? हां मैं बड़ी देर से सोच रही हूं कि अच्छा पिंड तो आई नो आई एम पंजाबन, पंजाबन तो फिर पिंड तो पता होना चाहिए। हां तो लेकिन ग्राइन बड़ा एक नया वर्ड है, इवन पश्तो में भी नहीं मैंने कभी सुना है ना। नहीं ग्राम तो इनको ना पुराना ग्राम मतलब गांव, और ग्राई मतलब गांव का, मतलब एक गांव के रहने वाले, गांव के रहने वाले ग्राई ग्राई। एक सेकंड सॉरी गाइस, एक कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है और कहां से बोल रहा है? ए दुबई से बोल रहा हूँ, गुलफराज। हाँ जी गुलफराज, कैसे हैं आप? ठीक है जी, ये रजिया सुल्तान का प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए कॉल किया था जी। जी जी रजिया सुल्तान बोल रही हूँ जी। जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने जिंदगी में पहली बार कॉल किया और खुशकिस्मती से डायरेक्ट कॉल ही लग गई। माशाल्लाह ये आपका प्यार है ना? जी जी ये चाची आपका, आपसे प्यार है। आपके प्रोग्राम तो देखते रहते हैं। रुक जा मरा। क्यों हुआ चाची क्यों? ये मेरे उर्दू स्पीकिंग प्रोग्राम है। अच्छा हमने सिर्फ किस लिए फोन किया कि अपना वो छाती भाई के लिए फोन किया है। थैंक यू सो मच, ये आप लोग का बहुत सारा प्यार है, यकीन माने मैं जब लोग समझते हैं कि मैं चाची लव सुन के मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन मुझे इससे पता चलता है कि आप लोग मुझे कितना फॉलो करते हो, कितना प्यार करते हो। आपके सारे प्रोग्राम हम देखते हैं, लेकिन आज जो है ना वो चाची भाई के लिए स्पेशल कॉल किया मैंने जी। थैंक यू, बात करना चाहूंगा जी। जी बोले जी, बोले। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, ग्राइया क्या हाल है? ठीक है बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। तुसा ने प्यार अच्छी लगनी है
वो माशाल्लाह मैं क्या रखना, अब मैं ताकाल की थी ना, मजा आया ताकाल की थी तुम्हारी स्टाइल तो बड़ी मेहरबानी। चलो और तुसी भी ये स्टाइल करे हो, इस तरह चादर खेड़ी ना कर, क्यों साड़ी वास्ते रोल बढ़ाने हुए सारे सारे यार संगी, फिर ये चादर मंग दिया ना आते दुबई में चुकू ना करके मंगा देने पाकिस्तान में लग देने से था भी आते वो तो ले गया जो यार और दस ही ना डासी थे कहना सी ने चादर कितनी चादर चाहिए ने कैड़े ग्रां चाहिए ने मैं गाजी किथे गाजी दा अच्छा अच्छा गाजी दे हो तो मैं हजरों ना यार मुंह से ना वहां कट गया कॉल कट गई है कॉल कट गई क्या बोल कट गई कॉल जी जी अच्छा जी जी आधे वर्ष तो समझ नहीं आया अब आप क्या बोला आपको बहुत बहुत बचत होगी बचत तू सी पढ़े लिखे लोग लगना बैठ ठीक नहीं हो समझ नहीं आनी तू साडी जुबान में चलिए हम लोग यही गपशप रखते हैं और बहुत मजे मजे की कॉल्स भी आ रही है मुझे तो आपकी बड़ी कदर आ रही है इस वक्त चलिए मिलते हैं एक छोटे वेलकम बैक गाइज आज का हमारा प्रोग्राम तो थैंक यू मिस्टर नड्डा जी आपने तो इतनी रौनक लाई है बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट भी हो रहे हैं तो मैं आपको शुक्रिया अदा कर रही हूँ उर्दू में कर रही हूँ आप इनको मैं समझा दे इनको शुक्रिया तो पता चल जाता है ना दसवीं पास हो या पास हो फेल नहीं हो पर चादर ते स्टाइल ते फिर माशाल्लाह मुझे पता नहीं था मैं तो समझ रही थी कोई नॉर्मल सी चीज़ है मैं तो आप शलवार कमीज आपके अच्छे लगे थे लेकिन थे है लेकिन ऑन अ सीरियस नोट बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हमारी आवाम को आप बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे जितने भी प्यार करने वाले व्यूअर्स हैं खुर्शीद फ्रॉम अहमदाबाद कैसे हैं आप इतनी दूर से आपने कॉल किए वालेकुम सलाम खुर्शीद ये आपका वाला खुर्शीद तो नहीं था जो जिनकी आप एक दो नाम भी लिए नहीं 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 कोई और है मेरे जानने वाले किसी को पता ही नहीं मैं आपको तो मैं थे बैठा हूं एजेंसी मंजा बिजी था आपनी असली नहीं ना नहीं मले ले दी चोरी पता चला आपने क्योंकि आपने आपने जाती मुझे वेज क्या हां और तू आपने ना कि मैं ना लोगों के पता नहीं मैं बड़ी टंकी बैठा है मैं सिर्फ लोग नहीं बचे मुझे से जगह बैठी हूं सिर्फ आरफ अदसा मैं कम में अच्छा 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 फरजाना जी मैं आपसे आप प्रोग्राम देखती हैं माशाल्लाह आपको पता अच्छा भी लग रहा है इम्प्रूवमेंट भी आई है लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस प्रोग्राम में आपकी एक्सपीरियंस के हवाले से कोई भी सजेशंस जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हमें बता दें थोड़ा सा देखिए एक तो सबसे पहले जो के टू की खासियत है वो ये है कि उन्होंने अपना अपनी सकाफत को अपने कल्चर को अपनी रवायत को पकड़ के रखा हुआ है और मेरे ख्याल से यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। आज ही देखिए आज ही के प्रोग्राम में आपको इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मिल रहा है कि वो जो लोगों को अपना कल्चर नजर आ रहा है वो किस तरह से उसको कनेक्ट कर रहे हैं मतलब वो एकदम से वो कहते नहीं हमें ये देखना है लोग जिन्होंने कभी जिंदगी में कॉल नहीं की और वो किस लिए कि उनको वो नजर आ रहा है कि उनके उनमें ये चीजें जो है वो के टू को स्टैंड आउट करती हैं बिल्कुल बाकी चैनल से ना जी जी आप देखिए जो अभी शुरू में पैकेज दिखाया है तो उसमें कहीं भी आपको कोई ऐसा नॉन चेहरा नहीं नजर आया जो किसी और चैनल से तैयार होके फिर यहाँ पे आया हो और वो आके करा हो नहीं बिल्कुल फ्रेश जो है वो टैलेंट है यंग टैलेंट है जिनको उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है तो ये बहुत इनकी ऐसी चीजें हैं जिनको फ्रेश मीन तो ये चीजें जो है अस्सलाम वालेकुम जी जी कौन बोल रहे हो कहाँ से बोल रहे हैं मैं शफीक बात कर रहा हूँ दुबई से हाँ जी शफीक कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह क्या हाल है जनाब ठीक ठाक हैं ठीक बिल्कुल बिल्कुल आपने भी नड्डा साहब से कॉल करनी बात की नड्डा नहीं नड्डा जी 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 बताएं कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह कैसे लग रहा है आपको माशाल्लाह बहुत जबरदस्त केटू का प्रोग्राम आप लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है देख के एक पाकिस्तान के और खासतौर पर हमारे अहमदाबाद की एक नई आवाज जी भाई की सुन के बहुत मजा आया जी जी थैंक यू सो मच आपने इसको इतना पॉजिटिव और अच्छी तरीके से अपनाया है जी और बताएं क्या क्या अच्छा लगता है हमारे शो में माशाल्लाह आप लोगों के जितने भी गेस्ट आ रहे हैं बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा है बहुत
अच्छा हमारे नॉलेज में इजाफा हो रहा है, जितने भी आ रहे हैं इधर और देख रहे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। चले आप किसी से बात करना चाहेंगे हमारे ये जो ग्राही है, हमारा ग्राही से बात करवाए। जी जी, क्या हाल है जनाब, ठीक हो? क्या हाल है जनाब, ठीक हो? खैर खरीदे तबीयत अच्छी माशाल्लाह, जोड़ा काला जोड़ा पाया था बड़ा जबरदस्त जी, है ना? मैं तो सनी फरमाइश नहीं पाया आज काला जोड़ा माशाल्लाह, बस याद आ गया ना जी। बस जी तुसनी प्यार, तुसनी मोहब्बत, एक 10-11 साल पहले मेरा चाचे ना पुत्र था है, उस मैरिज गुम गया लगना, मैं भी गुम ही वैसा थे। अच्छा अच्छा, भैंसे बेच के आया ये बंदा? और सारा दसों की कड़ी लोड़ है, उन्होंने सारा नु पता है मैं बेच के आया, हर किसी ने दसी जाने हो, नड्डा मज्जा बेच के आया, नड्डा मज्जा बेच के आया। ओहो कितनी मज्जा बेची है वो, यार दो बेचियां उन्होंने तो मेरे तो गली पे गया। चलो जी, बड़ा कारनामा करके आए हैं। हाँ, ये हर कोई नहीं कर सकते, इतना बड़ा दिल नहीं होता किसी का। एग्जैक्टली माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है जी, आज एक अपनी एक कल्चर देख के जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ जी, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा हमारा उनसे जैसे मैंने पूछा अबाउट द प्रोग्राम, आप भी बताएं कुछ। अच्छा मैं कुछ? अभी कॉल पे ये बात कर रहे थे तो मुझे ये चीज़ फील हुई कि मतलब मैं पंजाबी हूँ जी, आप पश्तो बोलती हैं और इनकी कोई और लैंग्वेज है, लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा मैं किसी मतलब यू नो ऑड गैदरिंग में हूँ, मतलब बहुत अपना अपना और बड़ा अच्छा जाने लग गई। एग्जैक्टली, और मुझे सुनने में मजा आ रहा है और बड़ा अपना अपना फील हो रहा है, तो ये इस चैनल की है स्पेशलिटी माशाल्लाह। माशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, जैसे आप इस शो को होस्ट कर रही हैं, तो आप इसमें बहुत कुछ अपने से रिलेटेड ला सकती हैं, लेकिन जैसे कि मेकअप का टैलेंट जो आप में है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वो सेगमेंट स्टार्ट करना चाहिए। आज का जो मेकअप हमारा ने किया हुआ है, ये इन्होंने खुद मुझसे सीखी। एग्जैक्टली, नहीं नहीं इसमें कोई झूठ नहीं, पहली बार जब मेरे सामने आई थी मैंने इसको कहा, मैंने कहा ये मेरे साथ जा रही हूँ बाहर, ऐसे खड़ा किया मैंने, बात करते करते लाइनर तक देखी, मैंने कहा मेरी दोस्त बन रही हो। नहीं तो ये तुम ये बहुत खासियत है, और तुम्हें एक मेरे ख्याल में 15 मिनट्स का, क्योंकि जो टिप्स तुम देती हो वो प्रोफेशनल टिप्स नहीं है, लाइक वर्किंग लेडीज के लिए, हाँ मतलब नेचुरल टिप्स हैं कि हर कोई घर पे कर सके, मतलब वो प्रोफेशनल मेकअप वाला नहीं तुम करती, तो तुम्हें मतलब आप समझती हैं कि मैं एक छोटा सा सेगमेंट रखूं जिसमें मैं एक 15-20 मिनट्स की टिप्स। मर्जाना जी भी कह रही है, हाँ बहुत सारे लोग, मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत इम्प्रूव किया तुम्हें सिर्फ देख के जी, तो अगर तुम कुछ ये स्टार्ट करोगी अपना, मतलब क्योंकि जो टिप ऑफ द डे रख सकती है, एग्जैक्टली घरेलू टिप्स होती हैं जो उस पे ये चीज, उससे ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट आएगी, फिर ये जो फ्रीलांस में घर पे यू नो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तुम उनको, क्योंकि तुम तो नेचुरल आर्टिस्ट ही प्रमोट करती हो, जो फैमिली की औरतें काम कर रही हैं फ्रीलांस में, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो मतलब सेलिब्रिटीज वगैरह का कॉन्सेप्ट अभी नहीं लाना चाह रही, तो तुम फिर ये स्टार्ट कर। नहीं, सेलिब्रिटीज अपनी जगह होती है, लेकिन मैं समझती हूँ हम में से आप भी सेलिब्रिटी, आप भी, मुझे लगता है कि जो नड्डा साहब भी सेलिब्रिटी है। एग्जैक्टली, मुझे लगता है जो आम लोग होते हैं ना, बिल्कुल जो आम लोग कुछ करते हैं वो बहुत खास चीज होती है। बिल्कुल, ये आम लोगों का खास चैनल है, आम लोगों का खास चैनल है। एग्जैक्टली, तो ये तुम एक छोटा सा सबसे एक, हमारे पास ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया, तो मैं सबसे थोड़ी थोड़ी से मैसेजेस लूंगी, आपसे शुरू करूंगी और आप पे खत्म करूंगी। आप जरा से एक मैसेज दे दें हमारी ऑडियंस के लिए आज के डे से, आपकी एक्सपीरियंस से कुछ भी। जी, आज जैसे कि ये शुरुआत हुई है केटू मेले की जी, तो हमारी दुआ है कि जिस तरह से इसने 11 साल की खूबसूरती से वो सीढ़ियाँ चढ़ते चला गया है केटू चैनल, तो हमारी दुआ है कि हमेशा आगे भी ये सीढ़ियाँ हम इसको चढ़ते हुए ही देखें, और हम सबकी दुआएं इनके साथ हैं, और ये सब कुछ जो है वो इन लोगों की बदौलत है जो कि कॉल कर रहे हैं, जो देखते हैं जी। तो इनका साथ होना बहुत ज़रूरी है, और इनको साथ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें चैनल पे हों जो कि वो देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और जैसे वही हम बात फिर वही कर रहे हैं कि लोगों ने बहुत कनेक्ट किया है इनको अपने साथ, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि हर एक को अपना आप लगता है, वो लगता है कि ये मेरा चैनल है, तो वो उनको अपने चैनल की जो है वो उनको फीलिंग्स आते रहने को वापस जिंदा करने में सबसे कनेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसा जो मेन मेन मैसेज है। आप, मुझे ये लगता है कि जो पठान होते हैं ना, उनकी खासियत होती है वो कहीं भी चले जाए ना, वो अपना कल्चर नहीं भूलते। ठीक है, माशाल्लाह, तो मैं यहाँ भी देख सकती हूँ। हाँ जी, तो इस चैनल की ये खासियत है क्योंकि हर कोई मतलब दूसरों का कल्चर अडॉप्ट करके बहुत स्टाइलिश और अप टू डेट रहने की कोशिश करता है,
अपने कल्चर के साथ, जैसे आपने वीडियोस भी दिखाई उसमें आपने 100% वही कल्चर दिखाया, कुछ उसमें मॉडर्न, मतलब वो कल्चर को ही मॉडर्न करके दिखाया जी. तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इस केटू की. तो मेरी भी यही दुआ है, एंड दैट इज समथिंग टू एवरीबॉडी. हां एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि डोंट फॉरगेट योर रूट्स. हमें अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए, हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए. जैसे कि तुमने स्टार्ट में कहा कि ये मेरा सेकंड होम है, चाहे मुझे जितना भी प्यार हो, पहला घर पाकिस्तानी. तो अपनी रूट्स और कल्चर तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, और अपनी रूट्स और कल्चर के साथ ही अल्लाह करे आप ऐसे ही सक्सेस रजिया सुल्तान के साथ आगे बढ़ता रहे और सक्सेस लेता रहे. हाँ जी नड्डा जी. जी बिल्कुल, अपना कल्चर तो अपनी सकाफत जी, अब अपना चादर बिल्कुल अपनी. जिस तरह मैं हूँ दुबई दे विच आया, आज ही पहुंचा जी. लेकिन मेरे कल्चर मेरी पहचान और लोगों ने अपनाया है जी. ते सब तो वड़ी खुशी है कि मां अपना काके ना पुत्र मिल गया है जी. केटू चैनल दे इतना मेले दा बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि 11 साल बाद मेरा भरामा मिल गया है. ते इस तो वड़ी खुशी चलो आप, इसी खुशी में मैं आपको दोस्त भी मान लेती हूं, अपने भाई अपना दोस्त. आपसे मैंने दोस्ती कर ली ठीक है जी. हां तो आप तुसी मेरी भैन हो. माशाल्लाह आज का जो महफिल सजा है और आज की जो खूबसूरत जो हमारा यहाँ पे मेला सजा हुआ है और उसमें इतनी अच्छी अच्छी हमारी बातें भी हुई हैं, लोग भी कनेक्ट हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ. और ये हमारी जो मेला सजा हुआ भी है, हमारे जो स्पॉन्सर्स है उड़ान प्राइवेट लिमिटेड, इनकी जो स्लोगन भी है सो टू ग्रेटर हाइट्स, इसको मद्देनजर आई मीन दिस स्लोगन हैज़ हिट मी वेरी हार्ड. तो मैं इस चीज़ को बहुत आगे लेके चलना चाहती हूँ और आप लोग के साथ भी यही चीज़ हम लोग अगले कुछ हफ्तों तक भी चलाएंगे. ये जो हमारा मेला है ये चलता रहेगा और इसी टाइम पे 8 o'clock से लेके 10 o'clock तक, 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक हम लोग इस मेले को रखते रहेंगे. और अगले हफ्ते भी आपके पास नए नए चेहरे, नए नए मेहमान, हर चीज़ लेके आएंगे. और जो जो चीज़ें शायद आप लोगों को भी पसंद आए हमें भी लिखें, हमारी सोशल मीडिया पे भी लिख सकते हैं, हमें बता भी सकते हैं. और अगर इस नड़े को भी बिठाना है ना तो आप लोगों ने हमें बता दे, इनको हम लेते आएंगे. क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ पे आना. और जब तक आप वापस नहीं जाते हैं तो हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहें. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जरूर. और आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन मेहमान के साथ साथ आपको लोगों का बहुत प्यार मिल गया है. तो मैं उसी प्यार को लेके आगे चलना चाहूंगी. इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे और आपको हम लोग कुछ हफ्तों के लिए रखेंगे ठीक है जी. ठीक है, थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले हफ्ते सेम टाइम. हाँ जी वेलकम बैक. ये आज का माहौल तो अलग ही बन गया है, हमने अलग ही माहौल शुरू किया था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी जो बैठक बनी है बहुत ही अच्छी है. इसमें हम आपको ज़रा सी स्पॉन्सर्स का भी जिक्र करूँगी क्योंकि उनकी वजह से ये हमारा जो मेला और ये जो हमारी शाम है ये आई है. उड़ान प्राइवेट लिमिटेड, उड़ान का जो स्लोगन है सोर टू ग्रेटर हाइट्स, ये मेरे दिल को बहुत छू गया है. फ्रॉम द टाइम जब मेरा PSL वॉलेट चला था, इट इज़ एक्चुअली वो मेरे लिए एक वो जो मैं बच्चों को भी बोलती रहती कि सोर टू ग्रेटर हाइट्स, ये मेरे लिए बहुत ही पसंदीदा किस्म का. अच्छा आपका नड्डा नड्डी क्या बोलूँ आपको, नड्डा जी. नड्डा का मतलब क्या है? नड्डा का लड़का. अच्छा जी, मैं लड़की तूसी लड़का, मैं तो कुड़ी कुड़ी कुड़ी. हाँ जी. अच्छा ओके. नहीं मैं किसी को बोलने नहीं देती हूँ ना कि औरत है, मैं कहती हूँ लड़की है. तो आप नड्डा है. अच्छा मैं आपसे इतना मैं बोलूँगी कि थोड़ी सी आप चुप रहना, और वैसे आप अच्छे हो, बहुत अच्छी बातें करते हो, लेकिन मुझे अभी इनसे बात करनी है. जी जी करो, ज़रूर करो. ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू. अच्छा हम ज़रा सी आ जाएंगे हमारे जो मेला चल रहा है इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है. आपका भी प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन उस ज़माने में मैंने ये भी देखा माशाल्लाह अच्छी खासी. ये तो कोविड की वजह से हम लोग इवेंट्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा इवेंट तो बाइक का आपको जो यादगार रहे, जैसे कि मैंने बहुत प्यारा सा आई डिड नो कि केटू करते थे. हाँ हमारा एक हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, उसमें भी हमने जितने भी नहीं बाहर हमने नहीं की थी, हमने यहीं पर एक स्टूडियो के अंदर ही हमने अरेंज किया था.
तो उसमें भी हमने जितने हमारे गेस्ट थे हमने सबको बुलाया और हमने ईद वगैरह पूरी सिटिंग अरेंजमेंट नीचे और सबने ईद के भी मेले चलते हैं या कोई ऐसी चीज़ या क्योंकि मैं तो नहीं हूँ ना मेरे लिए तो ये पहला प्रोग्राम होगा इस बार उस वक्त क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम थी तो इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग ही हम प्लान करते थे लेकिन बहुत खूबसूरत हमने जो था ना फिर हमारे पास ग्रुप्स आया करते थे सिंगिंग के ग्रुप्स ना मतलब अच्छा। वो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो करते थे अच्छा तो वो सबको हम बुला लेते थे अपने इवेंट में और हमारे एक अंकल थे जो कि रासो खैमा से हमें कॉल किया करते थे और वो हमें हर कॉल में हमें ना हमें टप्पे सुनाया करते थे और इतना मजा आता था और फिर वो हमने लाइव बुलाया हमने प्रोग्राम में बुलाया फिर वहां हमने सुने उतने बुजुर्ग से लेकिन वो बहुत मजा आता था मतलब ये प्यार है हाँ ये प्यार है और वो इंतजार करते थे वो करते थे अगला उन्होंने अगले प्रोग्राम के लिए उन्होंने तैयार किए रखा होता था कि मैं जो है वो मैं ये सुनाऊंगा ना और बुजुर्ग से बहुत बुजुर्ग से वो साहब और इतना मजा आता था उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स भी आपका क्या मतलब अच्छा एक सेकंड एक बार कॉल आई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम साहब जी कैसे हैं आप कौन बोल रहे हो कहाँ से बोल रहा है हम बेरीन से बोल रहे हैं अहमद बोल रहा हूँ हाँ जी अहमद कैसे हैं आप बस दुआएं हैं आपकी बस थोड़ी बात इनके साथ करा रहे नवीन नाम है क्या नाम है जी जी नड्डा साहब हमारे नवीन जी 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 वालेकुम अस्सलाम जी जी हुक्म करो जी वाले मैं असमत बोल रहा हूँ बेरीन से जी जी तो जो ये ग्राई के साथ बात करनी है जी बोलो जी बोलो ग्राई हाजिर है जी साहब जी क्या हाल है जी आवाज जरा कम कर दें टीवी की जी जी मैं अजरोना जी अजरोना मूसा ग्राम है मेरा मूसा जी साजू चौधरी जी 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 साजू चौधरी साढ़े ग्राम है बहुत अच्छे साढ़े पाइन जी साढ़े ग्राम की पहचान हूँ जी अपने दोस्तों जी बड़ी मेहरबानी जी जनाब अच्छा ठीक ठाक नजर पे वे तो बस बस आपकी कॉल के लिए बहुत शुक्रिया आप केटू वैसे देखते रहते हैं आपका पहले बड़ी मेहरबानी जी ठीक है जी ठीक है खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ ओके चले अल्लाह हाफिज़ मैं वही उनको बस वही अब सबको अपनी जुबान के ही हाँ नहीं वो जुबान की काफी खींच आई है जो लोग रजी जी जो लोग बाहर होते हैं ना उनको ऐसे कोई मतलब मिल जाए ना उनको पता चले कि बाहर उनको अपने इलाके का है तो उसकी एक मतलब अट्रैक्शन ही कुछ डिफरेंट बिल्कुल बिल्कुल नहीं जब मैंने अपने सोशल मीडिया टिकटॉक पे भी जब पहली बार टिकटॉक तो नहीं पहले मैंने इंस्टाग्राम पे वो किया था तो जब सबको पता चल गया था मैं पठान हूँ पहले तो मैं उर्दू में बात करती रहती थी और सब मेकअप शेकअप एंड ऑल फिर जब मैं गाँव गई थी शावर और मैंने अभी यू नो एक दो शादियां का अटेंड की थी और उसकी हाइलाइट्स दिखाई थी तो उसके बाद जो मेरी फॉलोइंग बनी थी वो अलग किस्म की बनी थी क्योंकि वो ये भी उनमें से एक थी मतलब वो एक रौनक ही अलग होती है और एक बंदा आपसे कनेक्ट हो जाता है जैसे इनके साथ हो रहे हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह दिस इज़ अनदर थिंग कि जो हमारे रूट्स होते हैं उसको कभी भी छुपाने नहीं चाहिए कभी भी नहीं और आपसे मैं बात करूँगी इन टर्म्स ऑफ आपने सोशल मीडिया का तो बहुत जिक्र कर लिया टीवी से आपका क्या आई मीन आई वुड से कनेक्शन बोल दें या देखती हैं नहीं देखती हैं देखती हूँ 100% देखती हूँ टीवी तो एडिक्शन है एडिक्शन हाँ एग्जैक्टली अब आपका शो था आप मेरे जानने वाली थी बहुत अच्छी दोस्त थी तो आपका शो देखना शुरू किया तो केटू देखना शुरू किया तो वो एक्सपोजर ऐसे होता रहा थोड़ा मुझे ये भी एक चीज़ अच्छी लगी कि आप ना ये टिकटॉकर्स और जो लोग बहुत फेमस और इन हैं उनको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करती आप फैमिलीज के लोगों को लाती हैं जो घरेलू औरतें हैं तो वो तो आपको हर जगह मिल जाते हैं हाँ, एक मतलब सेकंड कॉल आई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी अस्सलाम वालेकुम कहाँ से बोल रहे हैं कौन बोल रहे हैं मैं नौशाद बोल रहा हूँ दुबई से हाँ जी नौशाद कैसे हैं चाची सुन गए चाची द चाची मसो सो तो इधर रारो खैर कैसे आप ठीक हैं बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक कैसे आप और क्या हो रहा है टीवी देख रहे हो या आप वैसे ही कॉल मिला दी
आपकी हर प्रोग्राम देखते हैं, आपका टिकटॉक शो दे रहे हैं, इसलिए तो आपको डायरेक्ट चाची बोल दिया ना। जी जी बिल्कुल, नहीं ये पहचान है कि आप मेरी फॉलोइंग कहाँ से है। ये जिंदगी में मेरी पहली कार है जो मैं टीवी को कर रहा हूँ किसी प्रोग्राम में। जी जी, आपके हर प्रोग्राम बहुत शौक से हम देखते है, खैबर का पूरा प्रोग्राम देखने का बहुत मजा आता है। हम लोग प्रदेश वालों के लिए बहुत स्पेशल प्रोग्राम होते हैं आप लोगों के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश होती है कि हम हर तरफ से हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाए और सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। हम तो बहुत शौक से देखते हैं और ये टीवी जो आपका एबीटी प्रोग्राम है बहुत अच्छे लगते हैं हमको। जी जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारी ये अपना एक गांव वाला है, इससे बात करना चाहेंगे। जी 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 बैठे हुए मैं वही देख रही थी। कल ले बात नहीं है, ये गलत सारा में चंगे लग गया। जी जी हुक्म करो खान साहब। चाची परानाल गल कर रहे हैं। जी जी बोलो जी, चाची बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है प्रा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं गाजी दाद तो सारा स्टाइल देख के तो फोन चाह के दे, मैं के फोन मिला लवा ते तो सारे लोग ही तमा पे जा के जुलो आरफ मोड़ के आनो आरफ काजी साहब साहब। एग्जैक्टली बहुत प्राप्त प्यारो ना थी, कोई नहीं आंदा लेकिन देख के मजा कर ले। माशाल्लाह स्टाइल बहुत प्यारा तोड़ा। अच्छा लगा तुसा ए चादर रख के ते चपले खिरिया पा के मत अपने गिरा ना पहचान खराब ने ता। फिर की करा यार, इतने दूर में थे आया, मजा वेज के थे पहुंचावा, अपना स्टाइल तो फिर लोकां दिखाना है ना। ते ई ते मजा ना जी आसा, मैं गाजी दे तोड़ा स्टाइल देख के ते ता फोन कीता। अच्छा गाजी दे हो, ठीक है गाजी दे तो नेड़े नेड़े ही ना। आज वतासी ने नहीं आना जी, हजरत गाजी कितना फर हो गए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तुसने कॉल ना। ते ए तोड़ा माशाल्लाह बहुत मजा कर दे, बहुत स्टाइल नाल, लेकिन साढ़े वास्ते तो सा इस स्टाइल करके थोड़ा जा मुसीबत थोड़ा अगड़ा है, क्योंकि साढ़े दोस्त कर फरमाइश कर दे सन जरा एक चादर आनो दुबई में। जो लगना नट ने बैग में सारी चादरें ही पाकिस्तान में सन आ इन पर लेके देने पे सन, क्योंकि तोड़ा स्टाइल देख के हर बंदा एक स्टाइल बना सी खड़सा में दो मजे और वे छुड़सा की करा। जी 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 लेके जासा यार, टेंशन ना ले, ये तो समझ मुझे भी आ गई। चलो जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, और सारे टीम को और खास करके चाची को बहुत सलाम। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। तो चाची और नड्डा आज आज टीम है। चाची 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 ब्रेक में जाने वाली है, चाची को बहुत हंसी आई है। चलो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।